आखिरकार मुंबई में 7 साल बाद हैंकॉक ब्रिज खुल ही गया। अब भाईखला डोगरी से मझगांव के बीच लोग आसानी से आ जा सकेंगे। सैंडहर्स्ट से भाईखला के बीच का ये ब्रिज जुलाई तक बनकर तैयार हो गया था। बीएमसी ब्रिज डिपार्टमेंट के चीफ सतीश थोसार ने बताया कि ब्रिज पर कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसे अब हटा दिया गया है, इसीलिए इस ब्रिज को भी लोगों और गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हालांकि इस ब्रिज के चारों ओर लेन बनाने की मांग की जा रही है। इस ब्रिज की ओर लेन ना बनने से लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बीएमसी इस ब्रिज को 15 जुलाई को ही खोलने वाली थी। ब्रिज पर लाइट्स को मिलाकर अन्य सभी काम पूरे हो गए थे, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद इस ब्रिज को खोलने में देरी हो गई। इस ब्रिज के बनाने की लागत पहले 14 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 100 करोड़ हो गई। 1879 में बने इस ब्रिटिश कालीन ब्रिज को खतरनाक होने के बाद 2015 में यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। फिर निर्माण के लिए इसे 2016 में तोड़ा गया और आखिरकार 7 साल बाद इस ब्रिज को लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। जहां इस ब्रिज को सिर्फ 19 महीनों में बनना था, तो वहीं इस ब्रिज को बनाने के लिए बीएमसी को 3 साल का वक्त लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।